मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। बाग में कल रात में सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें ब्लॉक कॉलोनी के रहने वाले शिक्षक को उसकी पत्नी ने गुप्तांग काटकर मौत के घाट उतार दिया और स्वयं फांसी पर झूलकर जान दे दी। परिवार में दो बच्चियां और दो बच्चे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों के मृत शरीर पर पीएम स्वास्थ्य केंद्र बाग पर हो रहा है। परिवार की लड़की के कथनानुसार पति पत्नी में कई दिनों से किसी कारण से कलह चल रहा था। पुलिस घटना की जांच में जुटी है, जांच के बाद सारे लोग तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। साथ ही साथ थाना प्रभारी एमपी वर्मा ने बताया कि बाग की ब्लॉक कॉलोनी के शासकीय क्वार्टर में रहने वाले शिक्षक हरि सिंह, जो कि ग्राम गुड़ दलिया प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ थे, कमरे के अंदर उनकी लाश खून से लथपथ पाई गई। उनकी पत्नी राधा फांसी के फंदे पर झूलती रही। परिवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रात्रि 8 बजे उनकी बेटी चेतना ने खाना बनाकर परोसने की तैयारी करी थी, तभी उसके पापा मम्मी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। बेटियों द्वारा दरवाजा ठोकने पर भी नहीं खुला, तब उनके मामा का लड़का है और उसने दरवाजा तोड़कर देखा तो खून से लथपथ पति की लाश और पत्नी स्वयं फांसी पर लटकी पाई गई। बाग से संवाददाता राहुल सिंह राठौर की खास रिपोर्ट। जिस समय यह घटना घटी आप घर पे ही थे? हाँ। जो मृतक हैं आप उनकी क्या लगते हो? मेरे मम्मी पापा। आपके मम्मी पापा हैं। क्या घटना घटी बेटा? आपको कब पता लगा? मैंने ऊपर चढ़ के देखा। कब? सुबह? रात में पता लगा। कितनी बजे की बात होगी बेटा? 8:30 के लगभग। क्या कुछ विवाद वगैरह हुआ था इनके बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो आप कहाँ से चली ऐसा कुछ? मम्मी ने बोला खाना लगा तो मैं हाथ धो के आई और फिर दरवाजा लगा लिया, दरवाजा ठोका खाना लगा करके, तो फिर खुला ही नहीं, फिर दरवाजा ठोका कर फिर ये आए, फिर दरवाजा देखा और दरवाजा खुला। अच्छा ठीक है, ठीक। सवाल पूछो सर। बाद में हत्या हुई, पति पत्नी, पति की हत्या की पत्नी ने और पत्नी फांसी पर झूल दी, क्या मामला है? ये कल शाम की घटना है। इसमें पुलिस को सूचना मिली कि जब बाग थाना क्षेत्र में, तो ऑफिसर्स ने वहाँ जाके जब चेक किया तो वहाँ पर एक पुरुष की लाश पड़ी हुई थी और एक महिला जो है वो फांसी पर लटकी हुई थी। इस पूरे प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, फॉरेंसिक टीम के विजिट के बाद ये क्लियर हुआ है कि पत्नी ने पति की हत्या करने के बाद फांसी लगा ली। और जो परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, उनका बताना है कि इनमें आपस में झगड़ा चलता रहता था और संभवतः कल कोई झगड़ा हुआ जिसका ये रिजल्ट रहा। अभी अन्य जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो भी एक फैक्ट इसमें आया है और उस पहलू पर भी पुलिस जांच कर रही है। देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।